और उसमें चलता हूँ उसमें नाचता हूँ सोता हूँ खाता हूँ पीता हूँ सो द फर्स्ट ड्रीम आई डोंट नो आई नेवर हैड लाइक अ बिग ड्रीम दैट आई वॉन्ट टू फुलफ़िल छोटी छोटी चीज़ें मैं रेडियो के लिए काम करता था जैसे आप में से कुछ करते होंगे तो उसके अंदर मैं अलग अलग आवाज़ें करता था ऑल इंडिया रेडियो में सो आई 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 ड्रीम वंस दैट आई विल बिकम लाइक हावर्ड स्टर्न नॉट एज वेलगा बट एज फेमस सो एंड आई डिट विच ऑज ओके So I keep dreaming small, small things, but big dreams I don't have. But yeah, inshallah, I have. Uh, like I said, in my line of work, uh, I'd like to uh, make a wonderful film one day. And uh, personally, yes, just my children are healthy and happy. Hi, Hi. Uh, this is for Sha uh, Shahil Prem. I want to ask you that: you uh, camera in front of you, you camera ke piche bhi kaam kiya. Yes. Where you, you more comfortable. Uh,

To your left. Good evening. Uh, Anand from India Times. Hi Anand. Uh, firstly, congrats because today apparently is 17th anniversary of Pardes and first anniversary of Chennai Express. So, congrats ah, for I just, I just yeah, Thank you both very much. the films. So, yeah, so now at a stage where you know your films have now almost become like milestones in Bollywood history and you know, the anniversaries are celebrated. What do you have to tell youngsters like you know Sail and Amrit who can only hope that their film reaches 1% of the timelessness or the greatness that your film has reached, you know? जो काम आता है जैसे इसने कहा डायरेक्ट करते हैं डांस करते हैं एक्टिंग करना चाहते हैं अमृत यहाँ पे जितने भी लोग हैं अभिषेक अखिलेश और बाकी यहाँ पे एक और भी लड़का है वह है नहीं यहाँ पे राशि राशुल और एक और भी है कुछ अदा कर वाला साल वो यहाँ पे नहीं आया तो जितने भी लोग हैं इस इस आ, आ, ब, काम करते रहो यार बाकी जो आ, बड़पन है जैसे अभी तो ये सोशल मीडिया की वजह से एनिवर्सरीज भी होने लगी पहले तो ऐसा होता नहीं था अब मालूम पड़ता है सत्रह साल हो गए पड़ते इसको इसका चेन्नई का एक साल हो गया लेकिन आई थिंक काम करते रहो ये सब पेरीफिरल है ये सब साइड की चीज़ें ये सब होती रहेंगी आ, हर फिल्म मैं बार बार ये बोलता हूँ थोड़ा बोरिंग हो गया बोलते बोलते ऐसे करो कि ये तुम्हारी पहली फिल्म है उतनी एक्साइटमेंट से

<laughs> मुझे ऐसा डांस आता नहीं है आता मैं सच कहूंगा नहीं नहीं में बहुत अच्छा वो बस शर्ट उतारी थी डालेंगे ऐसा जब शर्ट उतारता हूँ तो सबको लगता है अच्छा डांस कर रहा हूँ बट ये जो अभी सॉरी मेरे को कहना नहीं चाहिए क्योंकि ये मौका जो है मैट का है और अपनी फिल्म की बात नहीं करनी चाहिए जो हमारी भी हैप्पी न्यू ईयर है वो भी डांसिंग के बारे में है और मुझे बहुत तकलीफ होती है ऐसी फिल्में करने की डांस वाली तो मैं एक्चुअली प्रेरित होता था इनकी फिल्में देखता था इनका ट्रेलर मैंने एक्चुअली ये फिल्म जो है एक साल से रेडी है तो कुछ देखी हुई भी, भी है और इसके पोर्शन भी देखे हैं और ये जब मैं रावन शूट कर रहा था आई थिंक दैट्स स्टार्टेड मेकिंग द फिल्म एंड इट्स टेकन सम टाइम बट वॉट दे हैव हेयर इज़ वर्ल्ड क्लास तो इस डांसिंग की तो मैं uh, uh, क्या कहते हैं uh, ऐसी डांसिंग का मैं सोच भी नहीं सकता अभी देखा ये दोनों कैसे टेढ़े मेढ़े हो गए थे ऐसे ऐसा कुछ कर रहे हैं मेरे को तो वही वाला आता है ये करता हट सो आई हु बट आई थिंक डांसिंग इज अबाउट एक्सप्रेसिंग फ्रीडम एंड लव तो जो मैंने फिल्म बनाई है और जो मैं समझता हूँ डांसिंग के बारे में वो यही है कि अगर आप उस तरह डांस करें जैसा आपको आता है और खुशी से करें तो उससे अच्छा डांस कोई नहीं होता है बट इफ़ यू कैन डू स्टेप्स लाइक साहिल एंड अमृत एंड द सोल टीम कैन डू तो वो सोने पर सुहागा है दैट्स दैट्स रियली चेरी ऑन द केक बट आई कैन डांस लाइक दिस आई एम स्केड ऑफ डांसिंग सो होपफुली व्हेन दिस फिल्म कम्स ऑन 22nd अगस्त uh, मैं कुछ देखूंगा और एक दो स्टेप्स तो इनसे सीख ही लूंगा मैं मैं बहुत सालों से सीख रहा हूँ ये वाला यार ये जो छाती भरकर करके करते हैं ना यार ऐसा होता ही नहीं है ये बिल्कुल हाय शाहरुख सोनिका है हाय सोनिका बस आई वांट टू से आई एम मैड अबाउट यू यस गुड ओके शाहरुख फर्स्ट टाइम आप ऐसे सॉरी फर्स्ट टाइम आप ये नए टैलेंट को इस तरह प्रमोट कर रहे हैं पहली बार तो जैसा कि साहिल ने बोला कि जब तक आपको किसी पे विश्वास न हो भरोसा ना हो तब तक आप उस चीज़ के लिए आगे नहीं जाते हैं उसको इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं तो कब कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि साहिल के ऊपर आप इतना भरोसा हो गया कि आई वॉन्ट टू प्रमोट दिस गाय और इसकी मूवी को लेकर आप ऐसा नहीं है यू नो आई डोंक एनी वन कैन प्रमोट एनी वन काम ही बोलता है जब मैं uh, नया नया था तो बहुत बड़े बड़े लोग थे राकेश रोशन जी यश चोपड़ा जी अब्बास मस्तान साहब अजीज़ मिर्ज़ा उन लोगों ने मुझे प्रमोट किया अगर मैं ये लफ्ज़ यूज़ करना चाहूँ उनको लगा कि मैं कुछ काम कर सकता हूँ बहुत सारे नए डायरेक्टर्स हैं आदित्य चोपड़ा करण जौहर शिमित अमीन फारा ख़ान इन लोगों को मैंने प्रमोट नहीं किया लेकिन मुझे लगा कि यार ये कुछ अच्छी बातें कह रहे हैं और उनके साथ मैं काम कर सकता हूँ सो आई डोंट थिंक कोई किसी को प्रमोट करता है मुझे ऐसा लगता है ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं और मैं यही दुआ करूंगा यही चाहूँगा कि यार ये जो अच्छा काम कर रहे हैं और इतना uh, मेहनती काम कर रहे हैं और एकदम अलग है ये जॉनर थोड़े हमारे देश में अलग है डांसिंग फिल्म में इतनी बनती नहीं है शायद वो एक ए बी सी डी बनी थी और ये वाली है एंड मे बी एक दो और बने, बनी बनी होंगी क्या वो ऋषि कपूर साहब और तारक शाह वाली uh, आ देखें ज़रा किस में कितना है दम एंड ऑल्सो वेरी फ्यू डांसिंग फिल्म हैव बीन मेड तो ये बहुत बड़ा स्टेप है सो मोर देन सेइंग आई एम प्रमोटिंग देम आई एम जस्ट स्टैंडिंग बाय देम बिकॉज आई थिंक न्यू जॉनर्स न्यू एक्टर्स न्यू एक्ट्रेसेस न्यू टैलेंट Uh, should be stood by because for 25 years and 25 years ago, uh, everyone stood by me. And may mm -hmm. I have any return favour? link kar rao, in both love I will say. mother, when I came to Mumbai, she was one of the biggest journalists who did not interview anyone new. She was uh, interviewing all the big people, and I think the first interview she did with me made me very big. And she believed in me, so uh, it's not a return favour.

जब तक सुपर का नाम नहीं जुड़ तब तक लोग उसके बारे में बात ही नहीं करते ऐसा जरूरी नहीं है आप मीडिया में हैं हम भी मीडिया में हैं आई थिंक थोड़ी सी आई बॉल्स के लिए जो पहले स्टेबलिश हैं वो अगर आके उसके बारे में बात करें तो लोग एटलीस्ट उसको नोटिस ज्यादा कर लेते हैं बाकी तो फिर काम ही बोलता है सो इवन टू नाइट ऑफकोर्स यू कम टू गिव योर विशेज फॉर मैड बट द्रूथ इज आई 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 एम कमिंग बी बी मे एबल टॉक अबाउट द हैड दैट लेंस अबाउटोल्स नॉट ओनली ऑनलीस थ्रू यू द दई बॉल्स व्यूअर्स

इज माय स्टाइल कुचिपुड़ी मुझे नहीं बोलना आता बोल के बोलो तो मैं कर मैं ट्राई कर सकता हूँ तू धक करने लगा कुचिपुड़ी वुड यू लाइक टू हैव ग्लिम्प्स इफ यू नो दैट इज देट इज वॉट बींग मैड अबाउट प्लीज इज दैट प्लीज थैंक यू feel like you can dance टू any song और शाहरुख कुछ और सवाल शाहरुख थैंक यू सर दैट वाज अमेजिंग जी शाहरुख हेयर स्ट्रेट यहाँ शाहरुख रक्षाबंधन इज कमिंग अप यू आर एक्सट्रीमली क्लोज टू योर सिस्टर शनाज व्हाट काइंड ऑफ मेमोरीज हैव यू डू यू हैव फॉर रक्षाबंधन एंड व्हाट गिफ्ट आर यू गोना गिव टू योर सिस्टर दिस टाइम उम अह या सो द राखी विल बी डन आई ट्राई टू कीप एज फ्यू सिस्टर्स एज पॉसिबल सो मैं अपनी वारी को अलाउ करता हूँ बट एल सीट शी लाइक्स वेरी सिम्पल गर्ल सो इन ट्राई फाइंड आउट वेरी वेरी सिम्पल थिंग्स मी माइसन विल गो एंड आउटिंग नो स्पेसिफिकली है शाहरुख ठीक सामने आपके यहाँ शाहरुख uh, शाहरुख uh, uh, हाल ही में बॉलीवुड के किसी सुपर स्टार ने आपको बॉलीवुड का किंग कहा है किंग खान कहा है तो कुछ कहना चाहेंगे आप या प्रिविलेज फील करते हैं आप अपने आप को नाम लेने की तो हिम्मत हो नहीं रही की सलमान खान, खान। शाहरुख सलमान <laughs> खान है वो जो ऐसा कहते हैं सलमान खान है जवाब मिल गया सलमान सुन लिया, तो लिया दोस्त कितनी बारी चलाएगा आई okay. ऑल

हम काम करते हैं वहाँ से यही होता है कि अगली वाली सही बन जाए यार एंड uh, ठीक ठाक हो जाए एंड व्हाट वी से इज़ नॉट इट्स मेंट विद गुडनेस फॉर एवरी वन सो इफ यू आस मी अ क्वेश्चन लाइक दिस आई एम थैंकफुल टू एनी वन हु थिंग्स ऑफ मी लाइक दिस एनी इन द वर्ल्ड एंड गॉड हैज़ बीन काइंड टू मी एंड

शाहरुख <laughs> साहिल को मैं बहुत बचपन से जानता हूँ यार आई एव सीन इम मनी वर्स ग्रोइिंग अप एंड आई डेंट नो दैट ही वॉन्टेड टू बी एन एक्टर डांसर डायरेक्टर और बहुत हिम्मत चाहिए यार सारी चीज़ें साथ में करने की सो आई एम वेरी इंप्रेस बाय वॉट इज डन आई डेट अ फोटो शूट विद हिम एंड एंड आई गॉट टू रियलाइज दैट ही हैज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट्स हाफ द बैटल वन कितना अच्छा होगा कितना बुरा होगा कितना सही होगा लोगों को ऐसा पसंद आएगा नन ऑफ अस नो द बिगेस्ट ऑफ पीपल द पीपल हु वर्क फॉर यर्स वी डोंट नो सो यू गो बायो हार्ट सो हीज़ अंग बॉय He's a young man and uh, he's going by his heart. And I hope it doesn't hurt too much. And even if it does, and I'll say it, it I, I don't want to sound like uh, the purveyor of doom, but I want to tell you, even if it hurts, don't step back. Keep on doing what your heart tells. So I think he's a heartfelt person. And inshallah, whatever he does uh, will be good. He's, he's a brave boy. Thank you, and sir. just keep the Thank bravery you. on. Thank you. Okay, one uh, last question. Hi, sir. <laughs> from Akhri wala. Yeah, Deerash. Uh, सर खबर ये कहती हैं कि फोर्टीथ ऑफ ऑगस्ट को आपकी फिल्म हैप्पी न्यूर का ट्रेलर रिलीज होने वाला है हम आपने मंच मैंशन किया कि आप बात नहीं करेंगे ज़्यादा मगर थोड़ा बता सकें कितनी नर्वसनेस है कितनी एक्साइटमेंट है बटरफ्लाइज़ हैं पेट में अब जब ट्रेलर पब्लिक के सामने आने वाला है तो क्या सोचते हैं शाहरुख खान ग्यारह ग्यारह बटरफ्लाइज हैं मेरे पेट के अंदर इसमें फारा ने बहुत मेहनत करके फिल्म बनाई और आ, मुझे लग रहा है टेलर अच्छा यार मैं कैसे बोलूँ कि आई होप यू ऑल लाइक इट आई जस्ट वॉन्ट टू ओके सो एवरीबडी इज़ इन्वाइटेड प्लीज कम एंड वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन इवनिंग जहाँ पर जो फिल्म है uh, मेरे हिसाब से थोड़ा सा डांस के बारे में है uh, थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में है थोड़ा सा ग्लैमर और खूबसूरती हमारा दिल ये था कि एक अल्टीमेट बॉलीवुड फिल्म टाइप बनाएं जिसके अंदर जब मैं बाहर जाता हूँ कई बार तो लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे बॉलीवुड में ही होता है यार अरे बॉलीवुड में डांस होता है तो मैंने एक ऐसी फिल्म uh, प्रोड्यूस करने की चाहिए जो ऑफकोर्स फारा ने बनाई है मेरा उसमें कुछ uh, हाथ नहीं है जिसमें सब कुछ है बाप भी है माँ भी है रिवेंज भी है डांस भी है रोमांस भी है सेंशुअलिटी भी है हैप्पीनेस भी है एक्शन भी है जो बोल सकते हो बॉलीवुड के बारे में सब कुछ है एंड आई होप दैट एवरीवन वन इट एट दैट लेवल इट्स 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 एन एंटरटेनर टू कम आउट देन सो चौदह तारीख को हम आपके सामने आ, उसको दिखाएंगे प्रस्तुत करेंगे होपफुली सबको पसंद आएगा बट नर्वस नहीं हुआ यार uh, मैं बहुत मेहनत से काम करता हूँ और आई डू माई बेस्ट एंड लीव द रेस्ट सो आई थिंक द होल टीम अभिषेक दृपिका विवान बमन सोनू फारा जैकी श्रॉफ एंड सो मेनी अदर पीपल आई एम नॉट नेमिंग राइट नाव देव डन द बेस्ट एंड दिस इज इट दिस इज आर बेस्ट एंड होप फुल यू लाइक इट एंड एंजॉय इट सो आई एम नॉट नर्वस अबाउट इट बट हाँ उसकी टेक्निकल चीज़ें चलती रहती हैं अभी वहीं से आ रहा हूँ वो साउंड ठीक कर देना वो प्रोजेक्शन ठीक कर देना जब लोग वहाँ पे आए तो उनको खाने के लिए समोसे अच्छे मिल जाएं तो अभी जो है वो अरेंजमेंट चल रहे हैं इस वक्त मैं आ, वो हूँ क्या कहते हैं उसको आ, वेडिंग आ, अरेंजर होते ना वो हाँ वेडिंग प्लानर हूँ इस वक्त मैं चौदह तारीख के लिए तो उसकी नर्वसनेस ज़्यादा है कि जो दही बल्ले हैं दही बल्ले हैं वो तुम्हें पसंद आएंगे कि नहीं कि वहाँ पे जो कुर्सी है कोई एक बुरा मान जाए वहाँ से कि अरे यार हमको बुलाया ढाई घंटे वेट कराया अभी नहीं यार अगली बार तो इसकी फोटो भी नहीं लूँगा मैं इसकी देख लेना यार इसके बारे में कुछ नहीं लिखूँगा तो ऐसा तो so, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जब वहाँ पर आओ क्योंकि हमारी जो कौम है माशाल्लाह बढ़ती जाती है मैं 20 साल से हूँ यहाँ पर आप में से भी कुछ 20 साल से हैं और हमारी जो आबादी है जो हमारे देश की आबादी है मुझे लगता है हम जैसे मीडिया के लोगों में ज़्यादा बढ़ रही है हर बार माशाल्लाह बढ़ते जाते हैं सो आई थिंक वी हैव टू लुक आफ्टर ईच अदर आई वॉन्ट यू टू कम दैर आई वॉन्ट एवरी वन फ्राम इंडिया टू कम दैर बिलोंगिंग टू आर आ कोिगज ऑल ऑफ अस एंड हैव अ गुड इवनिंग एंड योर सेल्फ बिकॉज वन डजन नो फिल्म का क्या होगा बट एटलीस्ट उसका आगाज अच्छा है तो शुरुआत अच्छी होगी तो बाकी चीजें भी इनशाला अच्छी होंगी नर्वसनेसरुख लास्ट को मेरी परमिशन नहीं ऐसे यार पूछो तो नहीं मैं लेट आया हूँ ना इसलिए मैं मुझे हम्बल रहना पड़ा ठीक है घर से यहाँ तक पहुंचने में मैं दो चार घर और भी जाता हूँ जो तुम्हें तो कभी अकेला बताऊंगा शाहरुख खान ने एक फिल्म इव डन अ डांस बेस्ड फिल्म दिल तो पागल है व्हिच वाज विद करिश्मा एंड माधुरी दीक्षित याद रखना इस बात को मैंने माधुरी और करिश्मा को डांस सिखाया है तो, मैं डांसर नहीं था मैं टीचर था मैं तो अगर आप सीक्वल बनाएंगे तो किन दो एक्ट्रेसेस को कास्ट करेंगे किन दो एक्ट्रेसेस को कास्ट करूंगा यार उन जी ऐसी कोई भी नहीं है एक्चुअली आई थिंक दीज टू एंड आई आई वुड इंक्लूड इवन यू नो इन इन देवदास आई थिंक माधुरी एंड एशवर एज वन सॉन्ग ढोला आई थिंक एज फार एज माई करियर इज कंसर्न एंड एज फार एज वॉचिंग इट कस कंसर्न इज द हाई पॉइंट और एक्टिंग uh, में अगर पूछो तो मैं बता दूं कौन कौन को कास्ट करूं डांसिंग में मुझसे बिल्कुल मत पूछना क्योंकि मुझे लगता है हर हीरोइन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब साहिल कह रहा था कि मैं कैमरा के पीछे कंफर्टेबल फील करता हूं ये सीक्रेट है मेरा मैं हीरोइन के पीछे कंफर्टेबल फील करता हूं जब भी डांस होता <laughs> क्या है, वो स्टेप करती रहती है मैं जितनी भी हीरोइंस के साथ मैंने काम किया उनको मैंने एक बात बोला कि दो कदम आगे चुपचाप से तो वो डांस डायरेक्टर बोलता रहता है hey, आप आप मैडम आप पीछे जाइए पीछे जाइए तो उन्होंने आप प्लीज़ आगे रहना तो जैसे जैसे वो करती है मैं पीछे पीछे उनके फॉलो करता रहता हूँ बट आई थिंक दैट फिल्म रियली रियली ये शेमफुल है मेरे लिए ऐसा बोलना रहा मजाक कर रहा था कि मैंने उनको डांस सिखाया है बट आई डू रिमेंबर एक दो सीक्वेंस से जब जा मैं जाके माधुरी को बोल रहा हूँ ऐसे नहीं करो ऐसे करो मैं वो सीन ही नहीं कर सकता था और माधुरी भी मुझ पर हंसती रहती थी उस वक्त कि वाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस हाउ कैन यू टीच मी हाउ टू डांस इन ऑल सो इट वॉज क्वाइट एन एक्सपीरियंस बट आई थिंक नथिंग लाइक करिश्मा एंड माधुरी आई आई बी एबल टू रिकास्ट और उनको तो रिकास्ट करना ही नहीं चाहिए आई थिंक ये फिल्म का सीक्वल बनना चाहिए विदाउट नी तो मुझको भी कौन रिकास्ट कर सकता है सो दिस नो पॉइंट मेकिंग दिस फिल्म जो बन गन गई और इसके बाद दिल तो पागल नहीं बन सकती being late sorry sorry guys sorry इस डेढ़ महीना में थोड़ा सा लेडी रहूँगा क्योंकि पिक्चर की पोस्ट प्रोडक्शन चल रही है तो मुझे माफ करते रहना और वो घर वाली बात जो है तुमको बताऊँगा <laughs> वो जो डांस कर रहा था कहाँ के हमारा विजय क्या बात है डोला <laughs> आता है तुम्हें करना <laughs> <laughs> कर <के... laughs> तू बड़े मुजरे पे जाता है उसके Natch, Vijay, Natch. <laughs> Thank you very much, everyone. Good office, good night. Thank you very Thank much. Thank you.